आज बदायूं जनपद में कुंवर गांव थाना क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर में 3 दिन पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर फायरिंग व मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने दोनों तरफ से 4-4 लोगों को बंद कर दिया था। इधर शराफत हुसैन पुत्र रियासत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है, कुंवर गांव थाना पुलिस ने मेरी अनुपस्थिति में हमारे पीछे थाना पुलिस ने घर में घुस के जमकर तोड़फोड़ की और हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता व साथ ही मारपीट की और दूसरी पार्टी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें हमारा भारी नुकसान हुआ है। अगर हमारी गलती हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा जांच कर कुंवर गांव थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर, जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। कहाँ से आए आप? हुसैनपुर थाना कुंवर गांव। क्या मामला था आज यहाँ SSP कार्यालय? था मेरे ऊपर फायर किया था। किसने? फैसल नाम के लड़के ने। फिर मैंने पुलिस आ गई थी, मतलब जब फायर किया तो पुलिस वालों से हमने कहा, उसको बुलवाया गया, ले गए, लेकिन एक रात रखा, सुबह को दूसरे दिन को उसको छोड़ दिया। पता नहीं कैसे छोड़ा, क्या करा, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कल मेरे घर में जाकर पुलिस ने सारी तोड़फोड़ कर डाली और मेरे घर के अलावा 5 घर और तोड़े, 6 घरों में सारी तोड़फोड़ करके सारा सामान जो है वो मतलब सब टूटा फूटा पड़ा, वो घर मेरे भाइयों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।